हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें बेटा हमने एक जो है सब चैप्टर ख़त्म कर दिया है। चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स होते हैं, वो ख़त्म कर दिया हमने। आज हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में से आपका एक टॉपिक कट गया है, लिमिट एज अ सम, यानी कि ये वाला टॉपिक आपका कैंसिल हो चुका है, यानी कि मॉडर्न मैथ में से आपकी 7th एक्सरसाइज जो है वो डिलीट हो चुकी है। ये डिलीट है आपकी एक्सरसाइज। आज बेटा हम बढ़ेंगे 7th के बाद 7th एक्सरसाइज के ऊपर। सबसे पहले 7th एक्सरसाइज में हमने पढ़ना क्या है। आज ना मैं आपको एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपने मेथड पुराने ही यूज़ करने हैं सॉल्व करने के लिए, जितने अभी तक आपने पढ़े हैं, मतलब कुछ नया आने वाला नहीं है। बस एक चीज़ नहीं आएगी, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नीचे ए होता है और ऊपर होता है बी, और अंदर सिंपल फंक्शन होता है। ठीक है, अंदर क्या होगा, सिंपल फंक्शन। ये जो नीचे वाला होता है ए, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है इसको? लोअर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट। और जो बी होगा उसका होगा अपर लिमिट। क्या होगा उसका आंसर, सॉरी उसका मीनिंग क्या है? अपर लिमिट। ये जो छोटे वाला ए है, नीचे ए है, इसका मीनिंग लोअर लिमिट है, और जो ऊपर बी पड़ा है इसका मीनिंग आपका अपर लिमिट है। ठीक है, सबसे पहले आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, मान लो इसका आंसर एफ ऑफ एक्स आ रहा है, आपने पता है क्या करना है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देना है, नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट लिख देनी है। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा ना, मान लो वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ रहा है, आपने उसके नीचे स्मॉल ए लिख देना है और उसके ऊपर जो है आपने बी लिख देना है। तो ये जो है आपने पता है क्या करना है, फिर उसके बाद अपर लिमिट आपने इस एक्स की जगह पर पुट कर देनी है, फिर बीच में माइनस डाल के लोअर लिमिट इस एक्स की जगह पर पुट कर देनी है। समझ में आई बात? एफ ऑफ अपर लिमिट पहले इसकी जगह पर पुट कर देनी है, फिर माइनस एफ ऑफ ए ये वाली लिमिट जो है आपने पुट कर देनी है। मान लीजिए ये ना एक क्वेश्चन है आपका एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप ना इससे मान लीजिए इसकी लिमिट दी हुई है 1 और 3, ये मान लीजिए इसकी लिमिट है। ये ए और बी जो है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये कहाँ से आ गया। तो आप देखो बेटा, एक्स का जो है आपने इसकी सिंपल जो है इंटीग्रेशन कर देनी है, जैसे आप करते आ रहे हो ना इंटीग्रेशन वैसे ही करनी है। इंटीग्रेशन की टेक्निक कोई नई या कोई पुरानी नहीं है, इंटीग्रेशन आपने वैसे ही करनी है जैसे आप अब तक करते आ रहे हो। ये देखो एक्स की पावर 1+1/1+1 है, आप ऐसे ही करते आ रहे हो ना, बस फर्क इतना है कि आपने ब्रैकेट डालना है, ब्रैकेट के नीचे 1 और ऊपर 3 डालना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 से लेके 3 तक। ठीक है, ओके, बस आपने इतना सा काम करना है, मतलब कुछ डरने वाली बात तो है नहीं। सबसे पहले अब जो है लोअर लिमिट जो है आपने वो पुट कर देनी है, सबसे पहले सॉरी अपर लिमिट पुट कर देनी है 3 स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस, फिर आगे है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का इसका स्क्वायर अपॉन 2, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि आपने इस एक्स की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करा, फिर बीच में ना नेगेटिव का साइन होता है, फिर लोअर लिमिट पुट करना होता है। तो ये आ जाएगा 3 3 का 9/4, ये आ जाएगा आपका 1/4, फिर सॉरी 1/2, उसके बाद मैंने इसका एलसीएम ले लेना है, ये आपका आ जाएगा 7/4। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके के इसके क्वेश्चन डन करने। चलो एक दो क्वेश्चन मैं और उठाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका पूरे का पूरा मेथड, पूरी की पूरी टेक्निक ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तब देखो बेटा मैं आपकी बुक में से ही क्वेश्चन उठाने वाली हूँ। सबसे पहले ना ये आपका क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन एक्स लोग एक्स, ये आपका क्वेश्चन है, नीचे है ई और ऊपर है आपका ई स्क्वायर। आपने ना इस लिमिट का कुछ नहीं करना जब तक ये अंदर वाला फंक्शन सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो देखो अंदर वाला फंक्शन कैसे सॉल्व होगा, क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ, ई स्क्वायर 1/x/log(x)dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 1/x/log(x)dx। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा बेटा, पुट करा क्या लोग एक्स को टी पुट करा, और ये क्या बन जाएगा आपका 1/x dx = dt, ये बन जाएगा आपका। ठीक है,
तो अब आपने इसकी जगह पर आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को तब तक नहीं छेड़ना जब तक कि आप अंदर वाले को सॉल्व नहीं कर देते। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी डी बन जाएगा, और लोग एक्स को आपने क्या पुट कर रखा है, टी, तो ये आपका टी बन जाएगा। जब तक मैं बार बार बोल रही हूँ ये सॉल्व नहीं हो जाता, आपने लिमिट पुट नहीं करनी है, ठीक है। ये ई, ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर। फिर उसके बाद आराम से पहले आप पुट कर दो अपर लिमिट ई स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट लॉग ई, ओके। तो ये मैंने पावर नीचे उतार दी, टू लॉग ई माइनस लॉग ई, टू लॉग ई जो है, ठीक है ना। मतलब चीज़ों को ना बस ध्यान से समझने की बात है, कुछ टेंशन मत लेना। सबसे पहले तो आपने टी टी को रिप्लेस भी करना था, अभी तो मैंने टी को रिप्लेस नहीं करा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टेप करते हैं, इसको छोड़ के हम ना यहाँ पे टी को रिप्लेस कर देते हैं। टी को हमने क्या पुट करा था, लॉग एक्स पुट करा था, तो आप वापस इसको लॉग एक्स डाल दो, ठीक है। ये मैंने डाल दिया ई ई स्क्वायर। उसके बाद बेटा अब मुझे लिमिट अप्लाई करनी है लॉग ऑफ लॉग ई स्क्वायर। पहले मैंने अपर लिमिट को अप्लाई करा, फिर माइनस डाला, फिर लॉग ऑफ लॉग ई, फिर मैंने लोअर लिमिट को अप्लाई करा। सबसे पहले अपर लिमिट को अप्लाई करोगे, फिर लोअर लिमिट को, ये क्या हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा टू लॉग ई, ये हो जाएगा माइनस लॉग, लॉग ई जो है ना वो वन होता है, ठीक है। ये जो है आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा लॉग, और ये जो लॉग ई अभी मैंने बोला वन होता है, और लॉग वन जो है वो आपका ज़ीरो होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग टू आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना आपने डन करने हैं। मैं ना आपके नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और क्वेश्चन उठा लूँगी बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।